हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक्निकल सीखिए। तो चलिए टेक्निकल सीखिए। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी एल्बम फोटो बनाने के बारे में बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे वाह क्या आपने एल्बम बनाई है। दरअसल अगर आप इनमें अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने दोस्त या अपने भाई बहन की अगर फोटो लगाएंगे तो आप जब उन स्टेटस वीडियो को लगाएंगे तो आपके दोस्त या गर्लफ्रेंड फिर बोलेंगे वाह तुमने ये कैसे फोटो बनाई है और ये काफ़ी अच्छी है। दरअसल आप उनके फ़ोटो लगाएं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप उनके फ़ोटो लगाकर आप इस तरीके की एक एल्बम फ़ोटो बनाइए जिससे कि उनको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये सब आप कैसे बना पाएंगे इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। जो जो मैं आपको स्टेप बताऊँ वो आपने फॉलो करना पड़ेगा और आप आसानी से इस तरीके की फ्रेम फ़ोटो बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये एप्लीकेशन ही आसानी से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा आप किस तरीके से अपने फ़ोटो को कलेक्ट करके एक फ़ोटो फ्रेम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलेज, तो सिंपली आपने इस कॉलेज पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट ए 1 से 18 तक फोटो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप 18 फोटो सिलेक्ट, आप कम भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 10, 12, 15 जो भी आप इसमें दिखा रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं 4-5 फोटो लेकर आपको बताऊँगा किस तरीके से आप एक बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आप टिक करते जाइए और आप 1, 2, 4 जो भी आपको प्यारे फोटो लगे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 फोटो ले ली। 8 फोटो में आपको एक एल्बम फोटो बना के दिखाऊंगा किस तरीके बना सकते हो। सिंपली आप फोटो लेने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो ये देखिए लोडिंग हो गई है, तो ये इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेआउट के नीचे यहाँ पर कितने सारे आपको कॉलेज वाले ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये टिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप यहाँ पर चाहें इनका साइज चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आपका जो पसंद हो जिस तरीके से आपने फ़ोटो रखने हो अपने इन आइकन में तो आप इन बॉक्सेस में रख सकते हैं। तो ये करने के बाद अगर आपका इनमें फेस नहीं दिखता तो सिंपली आप एक फ़ोटो पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर इनके जो भी आप उनको यहाँ पर आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन फोटो को चेंज भी करना चाहते हैं इधर से उधर तो वो भी आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहाँ से इसको टैप करिए और टैप करके यहाँ पर इस फोटो पर छोड़ दिए, वो फोटो वहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना इनमें फ़ोटो अच्छे अच्छे चुनिए और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चुनकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके करने के बाद आप यहाँ पर बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर को आप कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चौकोर में गोल है तो उसको भी आप आसानी से और गोल करना चाहें फ़ोटो तो गोल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जितना चाहें आप अपने हिसाब से उतना रख सकते हैं। और बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड का अगर आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कलर दिए हुए हैं जिससे कि आपकी जो फ़ोटो फ्रेम बना रहे हैं उस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी अच्छी लगेगी। जो भी आपको कलर पसंद आता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद आए वो आप एक कलर अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी ये एक फ्रेम फ़ोटो बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ये फ़ोटो बने। अगर आप यहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करिए। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एक ऑप्शन देखा कीवर्ड, तो कीवर्ड पर आप क्लिक कर दिए तो यहाँ पर अपने दोस्त के बारे में कुछ लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सी एक कोई जो भी आपको कोई लाइन हो अपने दोस्तों के लिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इनको भी चाहें आसानी से यहाँ पर चीज़ का चाहें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ से आसानी से उसका कलर चेंज करके आप अपने इस फोटो फ्रेम पर लगा सकते हैं कोई भी आप एक अच्छी सी मैसेज। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं जिससे कि आपकी ये फ़ोटो फ्रेम अच्छी लगेगी। फिर आप इसको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने दोस्तों को टैग करिए और आप वो आपके दोस्त देखें तो उनको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये सब हो जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर एक ऑप्शन देखा सेव, तो सिंपली इस पर यहाँ पर सेव कर दी। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये एल्बम आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी और आप आसानी से इसको यहाँ से ही चाहे अपने फेसबुक को या व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी चाहे आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।